सर सोनिका पटेल जी, सुनील पटेल जी डायरेक्टर है फिल्म के, और सर एज अ चीफ गेस्ट है हमारे साथ। बुके बुके एक क्वेश्चन, नाम क्या लिया था? नहीं ह्यूमन में सत्येंद्र बोले ना, सुनील पटेल टाइटल ऐसे है कि जनरली हम लोग कभी देखते हैं कि भाई कुत्ते की रूम किसको बोला जाता है जो नहीं सुधरते। जी जी हाँ, अलग तो जो लोग नहीं सुधरते उनके बारे में ये बोला जाता है। तो खासकर ऐसा कौन है? एक्चुअली हम सभी से मिस्टेक हो जाते हैं, बट एज ए ह्यूमन व्हेन वी लर्न देन वी विल फ्रॉम दिस टाइटल। रिकॉग्नाइज फेसेस की इसमें फिल्म में जरूरत नहीं थी, क्योंकि टीन एजर का था, कम्प्लीटली टीन एजर की फिल्म है, और जितने दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स थे सारे अवार्ड विनिंग स्टेज आते, दली पंजाब ऑल ऑल नोन आते। मेरी लाइफ में हमेशा फीमेल के ही हाथ रहे और अच्छा है, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, क्योंकि सबसे पहली बात तो दोनों मेरी सिस्टर हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा मेरा सब्जेक्ट ही वो मांग रहा है। इट्स अबाउट बीइंग ह्यूमन, हम ह्यूमन बने सर। ओके, किस विषय में ये कहानी है और थोड़ा सा कहानी बताइए। मुझे बचपन से एक चीज़ की बहुत इरिटेशन होती थी, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे नफरत है एनिमल्स से या डॉग्स से या कुछ, बट वो टाइटल फेथफुल टाइटल मैंने स्कूल टाइम में सुना कि फेथफुल टाइटल कुत्ता जीत गया यार, आई एम नॉट हर्ट, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम हर्ट दैट आई लॉस्ट दिस टाइटल। मैम आप कुछ बताना चाहिए, ये फिल्म एक्चुअली बनाने से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कोई बड़ी फिल्म के साथ आना चाह रहे थे, बड़ा डायरेक्टर बड़ी स्टार का, तो हमारा प्लानिंग ऑलरेडी ऐसा चल रहा था कि हम फर्स्ट जो काम करेंगे एक बड़ा बजट लेके बड़ी चीज़ लेकर आएंगे। देन जो भाई है हमारा सुनील पटेल, वो ऑलरेडी असिस्ट कर चुका था मिस्टर अजीज साजवाल को, और उसके पास एक अच्छी कहानी थी और 100% भाई है हमारा, तो वो चीज़ हमें अच्छी भी लगी और उसने अनबिलीवेबल प्राइस बताई कि मैं इतनी चीज़ में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूंगा और इतने दिन में। आप लोग जानना चाहते हो कितना दिन और कितना बजट? पक्का 12 दिन में ये फिल्म के शूट को कंप्लीट किया है, 12 डेज, जो अनबिलीवेबल है। और जो प्राइस हमें बताई गई थी, जो हमारी सोच थी, हम अलग सोच के चल रहे थे, तो जो प्राइस हमें इसने कहा 30 लाख में, इसने शूट 12 डेज में हमें कंप्लीट करके दिया, तो हम तो एक चांस ले रहे थे, हमको तो करना था बड़ा काम, तो वाई नॉट, अगर भाई है तो एक चांस देके देखते हैं। मीन्स फेथ के साथ स्टेप नहीं लिया हम लोगों ने कि चल भाई है तो हम लोग एक कोशिश तो कर सकते हैं ना, देखते हैं इतने छोटे में क्या बनता है। आप लोग को लगता है कुछ बनता है? लेकिन जो ये चीज़ बनी है इतनी बेस्ट क्वालिटी है, आप लोग देख के शॉक हो जाओगे फिल्म को, जो बड़ी फिल्में होती है जो एक लेविश लुक है, और फिल्म से कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, इतना बेस्ट काम करके दिया है। मतलब हमको लगता है कि काश हमने पूरा जो बड़ी के लिए सोचा था इसमें डाल दिया होता तो और क्या आता, ये निखार जबरदस्त बनी है मूवी, अनबिलीवेबल। 12 डेज आप सोच के देखिए, 30 लाख रीजनल भी नहीं बनती है। शॉक मीन्स कॉमेडी विथ हॉरर, और बच्चों के साथ आप फैमिली के साथ देख सकते, बहुत बड़ी बात है ये।
कहानी की अगर बात करें तो किस तरह की स्टोरी इस मूवी में पहले लोग देख चुके हैं, बिल्कुल कुछ नई चीज सामने आने वाली है? 100% नया आएगा, एक मैसेज के साथ आएगा। और जैसे अभी आप सब ने शुरुआत की, टाइटल यूनिक लगा आप सबको, राइट? फिल्म भी यूनिक लगेगी आप लोगों को। ओके मैम, फिल्म विमेंस सेंट्रिक है या समाज को या सोशल है, बच्चों को लेकर बनाई गई है या कोई आतंकवाद के ऊपर है, क्या है, मतलब किस तरह के कितने लोगों को आपने ट्वीट करवाया, किस समाज के लोगों को ट्वीट किया आपने? हर किसी को, इंक्लूडिंग हम। चलिए यही बोलना चाहते हैं, हर किसी का अपना एक स्ट्रगल है इंसान बनने का, हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस है ना, तो वही स्ट्रगल के ऊपर है। तो वैन वी बिकम ह्यूमन, आज हम इंसान बने, हो सकता है कोई 40 साल बाद बने, हो सकता है कोई 5 साल की उम्र में बन गया, हो सकता है कोई मरते दम तक बने, शायद कोई बना ही नहीं। चलो अरे सर, सबके एक्सपीरियंस होते हैं, आपकी नहीं है। आज आप देखने जाइए, आप लोग ही कितनी सारी चीज़ें डालते होंगे। हमारी मीडिया इतनी वास्ट हो गई है, मोबाइल ये वो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई मार खा रहा है, कोई परेशान है, कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, हम अपनी इंजॉयमेंट में रहते हैं, हम नई वीडियो लेना है हमको, हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो कहाँ है ह्यूमन? Only making, no? Only making. Please mention. Making. So, इतने कम समय में किस तरह की स्ट्रैटेजी की आपने, मतलब? मैंने होमवर्क बहुत किया, बहुत होमवर्क किया, इतना पेपर वर्क किया, बस ये चीज़ मुझे पता थी, अजीज भाई से सीखा था मैं कि पेपर वर्क स्ट्रांग कर दो। मैं अजीज भाई के साथ एज एन असिस्टेंट सेट पे क्रिकेट खेलता रहा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उनको देखता था कितना ऑर्गेनाइज था बंदा, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। और जैसे आज पोस्टर लॉन्च हो चुका है, तो फिर उसका ट्रेलर कब तक आ जाएगा और उसको रिलीज करने की क्या प्लानिंग है, आप कुछ बताइए। आप बोलिए मैम, आप थोड़ा आप बोलिए। मैं बोलूँ? आज जैसे आप सभी को बुलाया गया है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सेकेंड चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट वीक हमारा जो ट्रेलर आएगा, डेफिनेटली आपको तो सबसे पहले पता चल जाता है, हमारी डेट तो पीछे पीछे आती है, पहले तो आगे आके आप क्या जाते हो, तो वो भी नेक्स्ट वीक डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, स्टार्स आपको आज स्टार्स के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहिए, आप कुछ को लिया है आपने स्टार्स कोई ट्रेलर क्या है थोड़ा सा पर आप मेरे लिए उनके लिए आपने कोई भी जवाब दिया? ओके, मैं बेस्ट आर्टिस्ट देख रहा था, बेस्ट आर्टिस्ट देख रहा था, मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख रहा था, और मेरे साथ डे नाइट कर सके ऐसे बंदे देख रहा था। वेरी गुड, एक्सेलेंट, ऑल ऑफ देम वर एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, दे गिव देयर 100% एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद एवरीबॉडी। ओके सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कि कम समय में सर ने फिल्म बनाई है, एंड व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दैट कल्चर टू विमेन प्रोड्यूसर्स कम आउट एंड सपोर्ट, दिस फिल्म, हाउ यू सी दैट? मेरा जो यहाँ तक पूछना है, जहाँ तक मैंने देखा है मेरे बच्चों को, अपने सोचने और अपने विचार में वो मुकम्मल है और बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं, और उनके दिमाग अगर एक उनको कोई ऐसा शख्स मिले एकदम ताकत है, तो ये दुनिया में कुछ भी इतना पावरफुल चीज़ें दिखा सकते हैं, लोगों की तकलीफें, लोगों का अपना सोचना, दुनिया में जो जो चल रहा है उनको सुधारने की, उनको सही रास्ते पर लाने की जो एक सॉल्यूशन है वो इनके दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है वो इनकी ताकत है। और ख़ास करके इससे सुनील पटेल से मैं बोलना चाहता हूँ, इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, वो निकले और ऐसे निकले जो सब सबको फ़ायदा हो, पूरी समझो इंसानियत को फायदा हो, ऐसी बातें इनके पास हैं। सोनिका जी, आपसे जानना चाहूँगा, इस फिल्म को किस तरह का प्रमोशन करने जा रहे हैं, जबकि आज काफ़ी मीडिया भी पॉजिटिव फिल्म से लॉन्च हुई, तो आप लोग किस तरह के आगे का प्रमोशन करने आ रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो किस तरह से करने आ रहे हैं वो आप लोगों को सपोर्ट के साथ? हाँ बिल्कुल, दैट्स द ऑनेस्ट आंसर। बिकॉज सोशल मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ द डे,
to interact with the fan people. So how you are doing on social media? कहाँ कहाँ इसे promote करना है? थोड़ा सा कुछ अगर बताना चाहिए कितना कि actually हर जगह पे तो प्रमोशन बहुत ज़रूरी है और मीडिया बहुत बहुत खास इसमें योगदान देता है कंप्लीटली सब ओके मैम आई हैव अ विमेन प्रोड्यूसर व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू फेस व्हाइल बी इतना बड़ा रिस्क लेना कि चाहे वो 30 लाख की हो कम आप बोल रहे हैं लेकिन कई लोगों को ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है तो हैव अ रिच विमेन कितना आपने सोचा हाँ मेरे को अपना 30 लाख इन्वेस्ट करना है सर इनको नहीं बना लेती मेरे पास ये ऑनेस्ट आंसर नहीं बना लेती मैं स्ट्रगल करने को आशीष भाई को असिस्ट करने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया छोटे छोटे प्रोजेक्ट बहुत किए मैंने इनको नहीं बना लेती मैं आया प्रोजेक्ट लेके वो लोग ऑलरेडी फिल्म बनाए हुए थे किसी के साथ बात चल रही थी मार्केट के डायरेक्टर मार्केट के एक्टर आई ट्राइड एंड दे लाइक इट एंड बजट वॉज सरप्राइजिंग एंड देर नॉट कन्वेंस्ड एक्चुअली एक दो महीने तो ये लोग सोच रहे थे ऐसा कैसे पॉसिबल था बट आई शोड देम दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू ये ग्राफ है तो दे अंडरस्टूड एंड दे वंस इन्वेस्टेड एंड दे अंडरस्टूड यस इट इज गोइंग टू हैपन एंड फाइनली इट डिड हमारे जो प्रेजेंटर है मिस्टर सत्येंद्र त्रिपाठी उनको कन्विंस बहुत करना पड़ा इस चीज़ के लिए उनको कॉन्फिडेंस में बहुत लाना पड़ा क्योंकि बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस इंडस्ट्री के नहीं हैं बट इस इंडस्ट्री में रहकर उस चीज़ को फेस करना क्योंकि आज जो भी है हमने नए एक्टर्स को लिया या फर्स्ट डायरेक्टर को लिया है हमने डेफिनेटली हर कोई अपने काम में पहली बार ही आता है तो पहली बार ही इतना अच्छा है तो बट सत्येंद्र जी के लिए मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा उन्होंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुना उनको सिर्फ फिल्म बनानी थी mad about movies. He wants to become a good producer and financier. That's why he produced. Okay, cinema ko release karna sabse bada important factor hota hai. Aapne jo film bana di hai bahut hi achhi baat hai ki distributor bahut important hota hai ki film ko release karna. Tabhi film ko dekh pao. Ki log jab log dekhenge tabhi pata chalega ki film ne kitni kamai ki collection. Okay. So wo distributor ko lekin kitne aap confident hai ki ha isse cinema par release karwana hai film ko. ये पहले दिन से थे ना 100% मैम बैठो ना मैम इससे पहले भी आपने कई सारी छवि ली है वो काफ़ी अच्छी हुई है बिकॉज ऑफ योर पब्लिसिटी सोशल मीडिया के द्वारा और सबसे बड़ा उनका जुड़ना बहुत ही बड़ा नाम होता है तो उसको लेके आप कितने मतलब कितने होर्डिंग देने वाले हैं इस फिल्म को इनका के द्वारा हम लोग 40 से 50 होर्डिंग लगाए हैं शायद पार्टी वाला सुनकर जो हमें काफ़ी मतलब कर रहे हैं और शायद से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो थिएटर हमें दे रहे हैं शकील आके प्लीज कम क्योंकि फिल्म को आना है ना पहले फिल्म आएगी चार गाने और क्या गाने के बारे में क्या गाने किस तरह के होंगे और कौन सिंगर है मेरी सिंगर बात करें
सिंगर है मार्केट के ही सर, म्यूजिक लॉन्च करेंगे उस दिन ये सब रिवील कर देंगे। आज का पोस्टर बर्थडे नहीं है सामने देखिए। यस या 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 वेट वेट।